भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा अपने भावों को निर्मित करने की महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें जल, चंदन, पुष्प द्वारा परमात्मा की अंग पूजा की जाती है और धूप, दीपक, अक्षत नैवेद्य और फल अर्पण कर अग्र पूजा की जाती है। इससे आठ कर्मों का नाश होता है। तो प्रस्तुत है श्री ज्ञान संस्कार वाटिका चिंचवर नौकर ब्लास्टर्स टीम के छात्रों के द्वारा वेशभूषा आधारित देवाधिदेव वितराग परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा। मैं एक जीव सिद्ध भगवान के उपकारों से निगत से निकलकर पानी में रहे हुए जीव रूप में जन्मा। अनादिकाल से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया हुआ पुण्य काम आया और मुझे परमात्मा का स्पर्श प्राप्त हुआ। अष्टप्रकारी पूजा में प्रथम स्थान पर जल पूजा है। जल पूजा जुगते करो मेला अनादि विनाश, जल पूजा फल मुझ होजो मांगो एम प्रभु पास। में सही मात्रा में दूध मिलाकर पंचामृत बनता है, यानी कि पानी, शक्कर, दूध, दही, घी को मिलाकर जल पूजा का दूध कलश में बना हो। मेरु शिखर नवरावे और सोरपति मेरु शिखर नवरावे, जन्म काल जिनवर जी को जानी पंच रूपे करी आवे और सोरपति मेरु शिखर नवरावे। मैं जल कलश बनी हूँ, पक्षा हेतु कुए का छाना हुआ पानी मैं बनी हूँ। जल कलश ज्ञान कलश भई आत्मा सब दान सब भरपूर, श्री जिनने नम दावता माँ कर्म थाई चकचूर। हे प्रभु, इस पूजा के फल से मेरी आत्मा पर लगे हुए कर्म रूप मैल का विनाश हो। इस पूजा से ज्ञानवर्णीय कर्म का नाश होता है। परमात्मा के स्पर्श से पावन होकर मेरा जन्म एक इंद्रिय ऐसे चंदन के पेड़ के रूप में हुआ। फिर से मेरे द्वारा घिसे हुए चंदन से मुझे परमात्मा का स्पर्श प्राप्त हुआ। चंदन पूजा शीतल गुण चेहमादयो शीतल प्रभु मुखदं आत्म शीतल करवापनी पूजो अरिहा। विश्व के सब शीतल पदार्थों से शीतल है चंदन। परमात्मा की चंदन पूजा करने से कषायों से जलता मेरा हृदय शांत एवं ठंडा हो जाएगा। इस पूजा के द्वारा वेदनीय कर्म का नाश होता है। बाद में मैं जन्म फूलों में और पूर्व संचित पुण्य से प्रभु के चरणों में मैंने स्थान पाया। अष्ट प्रकारी पूजा में पुष्प पूजा तीसरे स्थान पर आती है। पुष्प पूजा के लिए पुष्प सुगंधित, ताजे, उत्तम व अखंड होने चाहिए, जैसे गुलाब, चंपा, मोगरा आदि। पुष्प नीचे गिरे हुए, पांव तले दबे हुए या पिछले दिन चढ़ाए हुए पुष्प प्रभु को नहीं चढ़ाने चाहिए। फूलों की माला हाथ से गुंथी हुई प्रभु को चढ़ानी चाहिए, ना कि सुई धागे से गुंथी हुई। सुरभि अखंड को सुमद्र ही पूजो गत संताप, सोम जंतु भव अज परे करिए समकृत चाप। मैं एक पुष्प हूँ, मेरा स्वभाव है खुशबू फैलाना। हे परमात्मा, आपकी पुष्प पूजा करने से सम्यक्त्व रूपी सुगंध से मेरी आत्मा महक उठेगी। हे प्रभु, आपकी पुष्प पूजा मुझे सम्यक दर्शन देगी। पुष्प पूजा करने से नाम कर्म का नाश होता है। पुष्प के बाद मैं बना पृथ्वी का एक का जीव और बन गया धूप। धूप पूजा अष्टप्रकारी पूजा में चौथे स्थान पर आती है। ध्यान घटा बट्टा भी वामनयन जिन धूप मिच्छत दुर्गंधो डरे प्रकटे आत्मस्वरूप। मैं धूप उत्तम द्रव्य से बना हुआ हूँ, के जिस प्रकार धूप से अशुभ कण दूर होती है और सुगंध फैलती है, उसी तरह मेरी आत्मा के अशुभ भावों का नाश हो जाए, अशुभ भाव उत्पन्न हो जाए। धूप का स्वभाव है ऊपर उठना,
साथ ही धुएं की तरह मेरी आत्मा के ऊर्ध्वगामी बन जाए और मोहन्य कर्म का नाश हो जाए। धूप के बाद मैं जन्मा 7 लाख देवकाय की जीवों में यानी अग्नि में, मुझे प्रभु के सामने जलने का अवसर मिला। अष्टप्रकारी पूजा में दीपक पूजा 5वें स्थान पर है। मैं घर का बनाया शुद्ध घी का दिया हूँ। द्रव्यो दीपक सुविवेकति कर्तारुगोय भोग भाव प्रदीप प्रकट होए भासित लोक का लोक। ज्ञान रूपी दीपक से मेरी आत्मा का अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो और केवल ज्ञान प्राप्त हो। इस पूजा से दर्शनावरणीय कर्म का नाश होता है। ऐसे पुण्य संचय से मैं बना अक्षत और प्रभु पूजा सामग्री में मैंने अढ़नक स्थान प्राप्त किया। अष्ट प्रकारी पूजा में अक्षत पूजा 6ठे स्थान पर है। मुझे बोने से मैं वापस उठता नहीं हूँ, ऐसा मैं शुद्ध अखंड अक्षत हूँ। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावत विशार पुरी प्रभु सन्मुख रहो तारी शकल जंजार। जिस प्रकार चावल में से छिलका दूर करने से चावल अखंड उज्जवल निर्मल होते हैं, उसी प्रकार मेरा आत्मा अखंड उज्जवल निर्मल हो जाए। जिस प्रकार अक्षत दोबारा उगता नहीं है, उसी प्रकार मेरा इस संसार में दोबारा जन्म ना हो। इस पूजा से आयुष्य कर्म का नाश होता है। अक्षत से मिले हुए पुण्य प्रभाव से प्रभु के निवेद रूप में मैं आ गया। अष्ट प्रकारी पूजा में 7वें स्थान पर नैवेद्य पूजा है और आज मुझे भगवान को समर्पित करने हेतु उत्तम द्रव्यों से घर पर शुद्ध और ताजा बनाया गया है। अनहारी बदन करा विक गई अनंत दूर करी ते दीजिए अना इसी वसंत। आहार संज्ञा पर नियंत्रण और अनहारी पद प्राप्त करने हेतु नैवेद्य पूजा की जाती है। इस पूजा से गोत्र कर्म का नाश होता है। इसी तरह मेरा भी परमात्मा से मिलन हो जाए, ऐसी भावना से मैं जन्मा फल के रूप में और अनंत सुखमय ऐसे मोक्ष फल को प्राप्त करूंगा। अष्टप्रकारी पूजा में फल पूजा 8वें स्थान पर है। परमात्मा को समर्पण हेतु उत्तम और उतानुसार श्रेष्ठ फल में हो इंद्रादिक पूजा हरी फल लावे धैर्याग पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे शिव फल त्याग। द्रव्य फल अर्पण करते समय ये भाव होना चाहिए कि मुझे सम्यकत्व रूपी भाव फल की प्राप्ति हो और अंत में आत्मा को मोक्ष फल रूपी पूर्ण फल मिले। इस पूजा से अंतराय कर्म का नाश होता है। ओम रेम श्रीम परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम यजामहे स्वाहा। अष्ट प्रकारी पूजा द्वारा हमारे सारे विघ्न नाश हो जाते हैं, उत्तम भाग्य प्राप्त होता है और मन सदा प्रसन्न बनता है। ऐसे 8 पूजा से हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। जिन अज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।